जिसमें डेसिमल के सबसे कम प्लेस थे, जिसकी एक्यूरेसी सबसे कम थी, इसलिए आंसर की एक्यूरेसी उससे ज़्यादा कैसे आ सकती है। इसलिए यस डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक लेके चलते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ से मतलब कि जब हम कोई अपनी कैलकुलेशन करके आंसर निकालते हैं तो हमें आंसर को डेसिमल के कितने प्लेस तक लिमिट करना है, अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए कि हमें अपने आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है, तो उससे बाद के जो डिजिट्स हैं वो यूजलेस हैं, उनको छोड़ना है। तो उनको छोड़ने को ही हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। किस प्लेस तक हमें अपने आंसर को राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ जो हम डिजिट लास्ट वाले छोड़ रहे हैं, जिनको ड्रॉप कर रहे हैं, उनको छोड़ने के कुछ नियम हैं क्या, वो यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी कैलकुलेशन की होंगी कि जिसमें लास्ट की डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है तो उसका एक मान के जोड़ देते होंगे, 5 से कम होगी तो उससे छोड़ देते होंगे, ऐसे ही। तो ऐसे कुछ रूल्स हैं, तो उनको देख लेते हैं एक बार। तो रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कौन सी नई बात पढ़ने जा रहे हैं आज, लेकिन जब इनको देखेंगे तो वास्तव में आप महसूस करेंगे कि बहुत कुछ पढ़ना बाकी था। अभी आखिर 11th लेवल पे हैं, तो कुछ ना कुछ तो नया आने ही वाला है, नहीं तो इतने क्वेश्चन कर चुके हैं या इतनी बार हम 5 से बड़ी संख्या को एक मान के जोड़ चुके हैं, उससे छोटी वाली को छोड़ चुके हैं, तो नया क्या है। तो अब जो है इस पर ध्यान देंगे, क्या रूल्स हैं इसके। फर्स्ट, जो अब तक पढ़ते आए हैं बिल्कुल सिंपल वही, नंबर 1, इफ़ द ड्रॉपिंग नंबर, यानी जिसे हम छोड़ना चाह रहे हैं, ड्रॉपिंग नंबर इज ग्रेटर देन 5, देन इट्स प्रेसीडिंग डिजिट, प्रेसीडिंग मीन्स उससे पहला, इट्स प्रेसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, मान लिया 12.68 मीटर, दूसरा 19.768 सेंटीमीटर, थर्ड 20.875 मीटर। तो इनमें हमें डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो डेसिमल के फर्स्ट प्लेस को रखने के लिए हम उसके अगले वाला डिजिट देखते हैं, अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो उसका एक मान के पहले वाली क्वांटिटी में जोड़ देते हैं, यानी पहले डिजिट को हम एक वैल्यू से बढ़ा देते हैं। तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद जो आंसर आएंगे, ये हो जाएगा हमारा 12.7 मीटर, ये हो जाएगा 19.8, डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक राउंड ऑफ करना है और नेक्स्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है तो 19.8 मीटर, और ये हो जाना चाहिए मेरा 20.9 मीटर, ये सेंटीमीटर है मीटर। तो ये हमने किया राउंडिंग ऑफ 1 डेसिमल प्लेस, राउंडिंग ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो जिस भी प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना है अपने रिजल्ट को, तो उससे नेक्स्ट वाला डिजिट हम देखते हैं 5 से ग्रेटर है तो उसका एक मान के पहले वाले में ऐड कर लेते हैं, या ये कह दीजिए कि उससे पहले वाले डिजिट को एक क्वांटिटी से हम बढ़ा देते हैं। सेकंड, इसका सेकंड जो एग्जाम्पल वो रहेगा रूल कि अगर ये डिजिट 5 से छोटा होता जिसको हम ड्रॉप करना चाह रहे हैं, तो फिर पहले वाली डिजिट को हम अनचेंज रखेंगे, बाद वाली को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इफ द ड्रॉपिंग नंबर, या डिजिट कह सकते हैं, ड्रॉपिंग डिजिट इज लेस देन 5, देन द प्रेसीडिंग डिजिट
इज लेफ्ट अनचेंज्ड सिंपल है कि अगर मैं 35.749 मीटर लिखूं तो इसको मुझे लिखना चाहिए राउंडिंग ऑफ करने के बाद फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक ही कर रहे हैं तो 35.7 ही रह जाएगा। उसी तरह से अगर 60.132 सेंटीमीटर हो तो इसको मुझे लिखना चाहिए 60.1 सेंटीमीटर, क्योंकि जो ड्रॉपिंग नंबर है हमारा वो 5 से कम है, इसलिए उससे पहले वाली डिजिट को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमारा तब केस था जब हमने इसको राउंडिंग ऑफ किया अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस। तो चलिए, ये तो आप पहले से ही, इनसे तो परिचित हैं, पहले से जानते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं कि थर्ड रूल क्या है। अगर लास्ट की डिजिट 5 है, ना 5 से ग्रेटर ना 5 से लेस, 5 ही है, तो फिर वहाँ क्या करें। तो यहाँ पे अगर 5 से आगे का डिजिट कोई भी नॉन जीरो डिजिट है तो वहाँ से डिसाइड हो जाएगा कि हम 5 से पहले वाले डिजिट को 1 इंक्रीज कर देंगे। तो थर्ड में होगा इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज 5 फॉलोड बाय ए नॉन जीरो डिजिट जिस नंबर को हमें ड्रॉप करना है वो 5 है और 5 से आगे फॉलो करता हुआ कोई नॉन जीरो डिजिट है, तब इस 5 से पहले वाले डिजिट को 1 बढ़ा देंगे। देन द डिजिट बिफोर 5 इज इंक्रीज बाय 1। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए 2.753, इसको मुझे डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक अगर राउंड ऑफ करना है तो अब, क्योंकि अब से पहले तो 5 से ग्रेटर होता तो मैं एक मान के जोड़ता, 5 से छोटा होता तो छोड़ देता, लेकिन अब तो 5 ही है तो अब क्या किया जाए, तो उसके बाद वाला डिजिट देखना पड़ेगा अगर ये 0 से बड़ा कोई है। अभी 0 पे आएंगे नेक्स्ट रूल में, तो 0 से बड़ा, 0 के अलावा कोई भी डिजिट है तो फिर 5 का एक मान के इसमें ऐड करेंगे, तो इसको हम ये कर देंगे डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक 2.58। मान लीजिए मीटर था तो इसको मीटर कर देते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 19.851, तो उसी तरह से ये 19.9 हो जाएगा। अगर 20.052 है तो ये हमारा 20.1 मीटर हो जाना चाहिए। डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना था और सेकंड प्लेस को हमें ड्रॉप करना था, सेकंड प्लेस पे 5 है और 5 को फॉलो करता हुआ कोई नॉन जीरो डिजिट है, तो फिर 5 से पहले वाले डिजिट को 1 बढ़ा देंगे। अब फोर्थ रूल जो है कि अगर लास्ट का डिजिट 5 है बस, उसके आगे ना फॉलो करता हुआ कोई नॉन जीरो डिजिट है ना कुछ है, तो ऐसे में क्या किया जाए, ये थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज 5 फॉलोड बाय 0,
फाइव के बाद में कोई डिजिट ना भी हुआ तो भी जीरो माना जाएगा, और जीरो दिया है तो फिर तो उस क्लियर हो ही गया। तो ऐसे केस में फिर दो हमारे रास्ते बनते हैं, अगर हमारा ड्रॉपिंग डिजिट फाइव है तो दो रास्ते बनते हैं, क्या कि अगर फाइव से पहला डिजिट इवन है तो उसको अनचेंज्ड छोड़ देंगे, इफ द प्रेसीडिंग डिजिट इज इवन देन लेफ्ट अनचेंज्ड। ये केस तब है जब लास्ट का डिजिट फाइव हो या उसके बाद जीरो हो, उस केस में अगर फाइव से पहला डिजिट हमारा इवन है तो उसको अनचेंज छोड़ देंगे, और अगर ऑड है, इफ द प्रेसीडिंग डिजिट इज ऑड देन द देन इट इज इंक्रीज्ड बाय वन। तो ये कुछ बातें ऐसी थी जो अब से पहले हमने शायद यूज नहीं की थी, बस अब से पहले ज़्यादातर यही यूज करते थे कि लास्ट डिजिट फाइव से बड़ा है तो उसका एक मान के जोड़ देंगे, कम है तो घटा देंगे, वो ऐसे ही अनचेंज छोड़ देंगे। तो लेकिन ये बाद के जो दो तीन रूल आए इन पे थोड़ा ध्यान देंगे कि लास्ट का डिजिट अगर फाइव है तो उसके आगे कोई नॉन जीरो डिजिट है तो एक मान के जोड़ेंगे, उसके आगे अगर जीरो है या कुछ है ही नहीं तो भी जीरो माना जाएगा, तो अगर फाइव से पहले का डिजिट इवन है तो अनचेंज छोड़ देंगे, और फाइव से पहले का और डिजिट है तो उसको एक बढ़ा देंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अब। जैसे मान लीजिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जब मैं फाइव से पहले इवन वाला एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 20.45, फाइव के आगे अगर कोई डिजिट नहीं है तो जीरो मानेंगे, तो इसको अगर राउंड ऑफ करता हूँ तो ये मेरा 20.4 ही रह जाएगा, मीटर मान लेते हैं, क्योंकि फाइव से पहले इवन नंबर था। अगर मैं ऐसे कहूँ कि 14.85 मीटर, तो यहाँ भी फाइव से पहले एक इवन नंबर है, फाइव के बाद जीरो ही माना जाएगा, जीरो वो दे भी सकता है, नहीं भी दिया तो भी हमें जीरो ही मानना पड़ेगा, क्योंकि कुछ आगे नहीं है तो इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, तो 14.8 मीटर ही रहेगा। अगर जीरो से पहले कोई ओड डिजिट हुआ, ये तो था इवन डिजिट वाला, ऑड वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये दोनों इवन हैं, यहाँ लिख देता हूँ। अगर ऑड वाला एग्जांपल लेते हैं तो मान लीजिए 39.750 सेंटीमीटर, तो इसको अगर मैं फर्स्ट प्लेस तक राउंड ऑफ करता हूँ तो 39.8 मुझे करना पड़ेगा, भले ही फाइव के बाद जीरो है लेकिन अगर ये डिजिट ओड है तो उसको एक बढ़ाना पड़ेगा। उसी तरह से मान लीजिए कि 17.35009, ऐसा भी हो सकता है डेसिमल के, ऐसे कर लेते हैं 09, तो ऐसे में फाइव के बाद फॉलोइंग जीरो है तो उसके इससे पहले वाला डिजिट ओड है तो उसको एक बढ़ा देते हैं 17.4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें राउंडिंग ऑफ करना है फर्स्ट प्लेस तक, उसके आगे हमारे ड्रॉप करने के लिए फाइव है, उससे आगे की जो भी हैं, तो फाइव के आगे अगर जीरो आ रही है तो हम फिर थ्री को वन बढ़ाएंगे, उसके बाद में चाहे फिर नाइन हो चाहे कुछ हो उस पर कोई हमें कोई मतलब नहीं है। अगर मैं ऐसा कोई एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए 89.1507, तो ये हमारा हो जाना चाहिए 89.1
टू। अब लेते हैं कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशंस, जैसे एडिशन कर लेते हैं कुछ नंबर्स का, उनमें जो जिन जिन नंबर्स को हमने ऐड किया है उनके सिग्निफिकेंट फिगर एक बार देख लें कितने कितने हैं, और उनका जो सम आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे दो नंबर्स की, तो जो दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स थे एक बार उनको देखेंगे और अपने रिजल्ट में कितने आने चाहिए वो डिसाइड करेंगे। तो इनके भी कुछ रूल्स हैं तो एक बार देख लेते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने चले हैं हम 11th क्लास में, लेकिन इस सीखने में कुछ विशेष बात तो है, डेसिमल प्लेस कितने तक रखने हैं, जो डिजिट जो नंबर्स हम जोड़ रहे थे उनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे डेसिमल के कितने प्लेस तक थे, आंसर जो आएगा हमारा उसमें डेसिमल के कितने प्लेस तक आ गए डिजिट, जो फालतू डिजिट आ गए उनको कहाँ तक राउंड ऑफ करें, सबको रखें या आंसर ऐसे ही लिख के आ जाएं। तो ये कुछ बातें हैं जो जाननी ज़रूरी हैं। तो इसमें हम लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग, ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तो सबसे पहले एडिशन का ले लेते हैं। एडिशन में जिन जिन वैल्यूज को हम मेजर्ड वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम कितनी सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे, और जो हमने नंबर्स ऐड किए थे उनमें कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, तो इसमें भी विशेष ध्यान रखना है। तो इसका जो रूल है वो ये है कि ऐड करने वाली नंबर्स में डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम प्लेस थे उतने ही डेसिमल के बाद के प्लेस हमें अपने आंसर में रखने हैं। सम और एडिशन दोनों में यही आंसर यही नियम लागू रहेगा। तो पहले एडिशन का करा देता हूँ फिर सब्ट्रैक्शन का करेंगे। तो इसमें पहले लिख देता हूँ, द रिजल्ट विल कंटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज देर आर इन ए नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेस। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 7.1 सेंटीमीटर, 12.23, 0, 9.1734, 4। मानिए ये कुछ नंबर्स हैं, कुछ मेजरमेंट्स हैं, तो मान लीजिए इनको हम ऐड करते हैं तो आंसर आ जाना चाहिए इस तरह से। ठीक है, अब इस आंसर में हमें डिसाइड करना है कि हमें डेसिमल के कितने प्लेस तक अपना आंसर रखना है। तो उसका रूल जो है मैंने बताया कि जिस नंबर में सबसे कम डेसिमल प्लेस थे हमारा आंसर उसी नंबर तक हमें लिमिट करना है, राउंड ऑफ करना है। तो राउंडिंग ऑफ करने के बाद तो देयरफॉर राउंडिंग ऑफ, आफ्टर राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं, आफ्टर राउंडिंग ऑफ आंसर हमारा आना चाहिए 28.5। डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक, सेकंड प्लेस पे 5 या उससे बड़ी क्वांटिटी, 5 से बड़ी क्वांटिटी होती तो
डिजिट 5 से बड़ा डिजिट होता तो एक मान के ऐड करते, बाकी जो रूल मैंने बताए हैं उनको फॉलो करते। अब ऐसा क्यों है, ये ऐसा ही क्यों डिसाइड किया गया कि डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक ही रखना है? सबसे ज़्यादा जिसमें डेसिमल प्लेस थे उसे क्यों नहीं डिसाइड किया गया? तो इस बात को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। बात यह है कि डेसिमल के जितने प्लेस तक कोई इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट करता है वो उसकी एक्यूरेसी को शो करता है, उसमें कितना प्रेसीजन है, कितनी एक्यूरेसी है। अब अगर आंसर डेसिमल के फोर्थ प्लेस तक मैं लेता हूँ तो इसका मतलब है मेरा आंसर डेसिमल के फोर्थ प्लेस तक एक्यूरेट है, इतना उसमें प्रेसीजन। और इतना प्रेसीजन, इतनी एक्यूरेसी तो हमारी पहली दो नंबर्स में भी नहीं है, और सबसे कम एक्यूरेसी वाली नंबर हमारी है 7.1। भाई कोई भी चेन इतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी होती है। तो ये समझो कि ये एक चेन थी, इसकी सबसे कमज़ोर कड़ी ये थी जिसमें डेसिमल के सबसे कम प्लेस थे, जिसकी एक्यूरेसी सबसे कम थी, इसलिए आंसर की एक्यूरेसी उससे ज़्यादा कैसे आ सकती है? ये डिसाइड किया जाता है कि अपने आंसर की हम एक्यूरेसी डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक ही रखेंगे, बाकी सबको राउंडिंग ऑफ में उड़ा देंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। एक आंसर और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए 9.70, 13.12 एंड 1.123 ऐड कर लेते हैं तो डेसिमल के मिनिमम प्लेस जो हैं वो इन दो में हैं, यानी अपने आंसर को हमें डेसिमल के सेकंड प्लेस तक लिमिट करना है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 23.93, 4 के बाद की डिजिट 5 से भी छोटी है, इसलिए उसको राउंड ऑफ करके 23.94। 4 के बाद की डिजिट 5 से छोटी है इसलिए 4 को अनचेंज रखा और ये हमारा आंसर आ गया। तो ये तो था एडिशन में। सब्ट्रैक्शन में भी बिल्कुल सेम रूल लागू होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में कुछ स्पेशल केस भी हो जाते हैं। तो सब्ट्रैक्शन सेकंड नंबर पे डाल देता हूँ, स्टेटमेंट यही रहेगा। एग्जांपल देख लेते हैं कुछ जो विशेष है, वो विशेष क्या है। मान लीजिए 7.1 में से हम 6.03 ये लेस करते हैं तो कितना आ जाएगा, आप लोग बेहतर जानते हैं। डेसिमल के एक प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना है, इस डेसिमल के फर्स्ट प्लेस से आगे 5 से ग्रेटर नंबर है तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए अपने रूल को फॉलो करते हुए 1.1। यहाँ तक तो कोई विशेष बात नहीं थी। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे विचार नहीं करना है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने भी हो सकते हैं, डेसिमल के प्लेस पे विचार करना है। एक्यूरेसी जो है डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक हमें रखनी है। दूसरा एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि 6.95 और इसमें से -6.84 या 6.94 कर लेता हूँ तो इसमें आंसर ही अजीब आया। सिग्निफिकेंट फिगर ही चेंज हो गए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर देखिए दोनों में 3-3 थे, लेकिन आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने आए, 1 ओनली, क्योंकि ये दोनों जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही नहीं, ये पहले डिस्कस हो चुका है पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे अब डेसिमल के सेकंड प्लेस तक ही मुझे राउंड ऑफ करना था और वहीं तक मेरा आंसर आ गया, तो बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ये एग्जांपल इसलिए लिया कि सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या चेंज हो सकती है,
कम भी हो सकते हैं, जो जो नंबर हमने लिए थे उनसे कम भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि डेसिमल का प्लेस हमें कहाँ तक रखना है। तो ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुआ, दोनों का सेम रूल था, बस सब्ट्रैक्शन में जो बताना था कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कम भी हो सकते हैं, ये मेन बात थी। अब लेते हैं मल्टीप्लिकेशन नंबर 3। मल्टीप्लिकेशन में रूल हल्का सा चेंज है, उसमें डेसिमल के प्लेस नहीं देखेंगे हम, उसमें देखेंगे कि आंसर में हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद उनकी संख्या उस संख्या के सिग्निफिकेंट डिजिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट थे। मतलब कहने का ये एग्जांपल देखते हैं, नंबर 3 हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। स्टेटमेंट चलिए पहले लिख देता हूँ, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द रिजल्ट मस्ट बी एज देर आर इन द ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। या लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस की बात नहीं हुई है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस की बात हुई थी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो रिजल्ट आएगा उसमें उतने ही डेसिमल प्लेसेस होंगे जितने जिस जो ओरिजिनल नंबर्स थी उनमें सबसे कम में डेसिमल प्लेस थे। यहाँ पे आंसर में मल्टीप्लिकेशन के आंसर में, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, ऑब्लिक करके डिवीजन कर देता हूँ, दोनों का सेम रिजल्ट रहेगा। वहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम रूल थे और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सेम रूल रहेंगे। तो यानी रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी जितनी किसी ओरिजिनल नंबर में कम से कम थी। एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए हम करते हैं 1.2 इंटू 1.5 या 1.51, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 हो गया। तो इसमें इन दोनों, इसमें हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स थे वो 2 थे, इसमें 3 थे, आंसर में हमारे 4 आ गए। तो हमें अपने आंसर को राउंड ऑफ करना है डेसिमल, वो सिग्निफिकेंट फिगर 2 तक, फिर उसमें चाहे डेसिमल रहे चाहे ना रहे। तो हमें डेसिमल के सेकंड प्लेस तक हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट हो जाएंगे डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक, तो सेकंड प्लेस और उससे आगे वाले को हमें छोड़ना है। तो राउंडिंग ऑफ करने के बाद हमारा आंसर हो जाएगा 1.8। आफ्टर राउंडिंग ऑफ क्लियर है। तो मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में हम उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे जितने किसी नंबर में थे कम से कम वाली। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, मान लीजिए 1.40 इंटू 2.11 कर लेते हैं मल्टीप्लाई, डेसिमल के प्लेस हो जानी चाहिए 4, मल्टीप्लाई ठीक हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 हैं, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे तो 5 आ गए, तो हमें डेसिमल जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 रखने हैं। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे 5 तो कंप्लीट हो रहे हैं, 5 से आगे की हमारी जो डिजिट है वो 5 से छोटी है, इसलिए हम 5 को अनचेंज रखते हुए 2.95 तक अपने रिजल्ट को लिमिट कर लेंगे।
तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे जाएंगे और एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस देखे जाएंगे। एक डिवीजन का एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल थे, यहाँ पे डिवीजन के ले लेता हूँ। मान लीजिए हम 1.42 को 1.3 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 1.09। ऐसा आके और भी डिजिट आने वाले थे आगे, तो हम डेसिमल के सॉरी हमें तो दो सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको लिमिट करना है, क्योंकि 1.3 में हमारे दो सिग्निफिकेंट फिगर थे, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे डेसिमल के फर्स्ट प्लेस पे हो जाएंगे और फर्स्ट प्लेस से आगे हमारा डिजिट 5 से ग्रेटर है तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए 1.1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने होते हैं, नॉट डेसिमल प्लेस। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब इन एरिथमेटिक ऑपरेशंस को हम एक अप्लाई करते हैं किसी एरिया को निकालने में, किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं और उसमें थोड़ा सा और ये डिटेल में थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। किसी रेक्टेंगल की लेंथ मान लेते हैं, लेंथ L इक्वल टू 14.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। उसकी ब्रेड्थ मान लेते हैं, मान लीजिए 11.3 मीटर। ये आप पहले से जानते हैं कि ये ट्रू वैल्यू है, ये उसके मेजरमेंट में आने वाली एरर है। उसी तरह से ये ट्रू वैल्यू है, ये आने वाली एरर है। जैसे ए प्लस माइनस डेल्टा ए हम पढ़ते थे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी हम पढ़ते थे, तो वो इस तरह से यहाँ पे इनको कंसीडर करते हुए चलेंगे। हमें यहाँ पे फाउंड आउट करना है एरर इन एरिया। इस रेक्टेंगल का एरिया हमें निकालना है, लेंथ और विड्थ के मेजरमेंट में हमारी एरर ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो ये एरर एरिया निकालने में कितनी हो जाएगी, क्योंकि एरिया तो मेजरमेंट नहीं किया जा रहा, लेंथ और विड्थ मेजर की गई हैं, तो फिर एरिया में एरर कैसे पहुंचेगी, कैसे कैलकुलेट करके उसको ले जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन के लिए ध्यान देंगे, ये जो राउंडिंग ऑफ वगैरह हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो उसका सॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी ट्रू वैल्यू के साथ अगर एरिया होता, विदाउट एरर की बात हो रही है, तो एरिया कितना आता उसको हम ए लिखते और ये हमारा होता 14.2 इंटू 11.3 मीटर स्क्वायर। ये मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, 14.2 इंटू 11.3 ये आता है 160.46, आगे 0 0 हैं मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो इसके एरर हैं, क्योंकि एरिया मल्टीप्लाई करके आया है, तो मल्टीप्लिकेशन की एरर हमने निकालनी सीख रखी है, तो यहाँ जो एरर हैं उनको मल्टीप्लाई में एरर कैलकुलेट करके देखते हैं कितनी आती है। परसेंट एरर निकाल लेते हैं,
परसेंट एरर इन एरिया। फॉर्मूला था डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, यानी रिलेटिव एरर निकाल के हर एक टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करना होता था। तो ये आ गया अपना, पहले वाले में एरर थी हमारी 0.1 और ट्रू वैल्यू थी 14.2, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से सेकंड टर्म थी हमारी 0.1 और अपॉन 11.3, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारी आ जाएगी परसेंट एरर। इसको भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, यह आ जाएगा हमारा 1/142 इंटू 100 0.7, यह आ जाता है हमारा 0.7 प्लस, ये देख लेते हैं नेक्स्ट, वो आ जाता है हमारा 1/11.3, 113 कर लेता हूँ, यह आ जाएगा हमारा 0.9। इनको जोड़ देता हूँ आ जाएगा 1.6%। एरिया विदाउट एरर हमारा ये आता, एरिया में जो एरर आई है परसेंटेज में वो ये आई है, इसलिए हम परसेंटेज एरर के साथ अगर एरिया लिखते हैं तो क्या आता है। देयरफॉर नेट एरिया हमारा आता ए प्लस माइनस डेल्टा ए, जिसे हम लिखते एरर के साथ, 160.46 प्लस माइनस 1.6%। अब हम चाहते हैं कि अपने एरिया को हम, एक तो मल्टीप्लाई का आंसर है तो जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, हमने पढ़ रखा है मल्टीप्लाई और डिवीजन के, ये बात स्पेशल इसके लिए मैं ये न्यूमेरिकल करा रहा हूँ कि अपने आंसर में 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ चुकी हैं ओरिजिनल एरिया में, वो हमें 3 तक लिमिट करनी है। दूसरे हमारी जो एरर थी वो डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक थी, सिग्निफिकेंट फिगर वहाँ भी 1 थी, तो उनकी वो मल्टीप्लाई का रिजल्ट है हमारा, तो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर एरर में भी हम 1 प्लेस तक लेंगे। लेकिन पहले इसको यहाँ परसेंट में नहीं थी, यहाँ पे परसेंट में किया क्या हमने, तो इसको परसेंट को पहले वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी हमारा जो वैल्यू आई तो 160.46 और प्लस माइनस इसका है ये 1.6%, यानी 160.46 इंटू 1.6 बाई 100, ये इसका मतलब है। तो इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा अपना 160.46 इंटू 1.6, टू पॉइंट फाइव सिक्स, यानी 160.46 प्लस माइनस 2.6। अब यहाँ पे जाके राउंडिंग ऑफ और मल्टीप्लिकेशन के सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह ये सब कुछ अब ध्यान करना है। तो अब देयरफॉर आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा, मल्टीप्लिकेशन के आंसर में हमारे 3 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होने चाहिए, इसलिए हमारा 160 रह जाएगा। इससे आगे का डिजिट 5 से बड़ा होता तो एक मान के जोड़ते, बाकी वही रूल अप्लाई करते, तो इसलिए ये तो रहेगी हमारी वैल्यू 160 प्लस माइनस, हमें यहाँ भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रखना है तो 6 का एक मान के इस 2 में ऐड करेंगे, एरर में हमारा 1 सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, क्योंकि एरर भी मल्टीप्लाई का ही आंसर है और मल्टीप्लाई में सिग्निफिकेंट फिगर हमारे उतने ही होंगे जितने हमारे ओरिजिनल नंबर में सबसे कम वाले थे। तो एरर जो हमारी दोनों थी उनमें एक एक ही सिग्निफिकेंट फिगर था, इसलिए लास्ट की जो एरर का आंसर आया उसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा लास्ट का इतने मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन रूल में सिग्निफिकेंट फिगर कितने आने चाहिए,
एरर का किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, एरर मल्टीप्लिकेशन की कैसे निकालते हैं, एक बार उसका रिवीजन भी हमारा हो गया और ये अच्छा क्वेश्चन था, तैयार रखेंगे इसको। नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि वेट ऑफ ए बॉक्स इज 1.2 केजी। किसी बॉक्स का वेट है और जो उसमें गोल्ड रिंग है उसके अंदर उसका वेट है, मान लीजिए 1.3 ग्राम, तो दोनों का नेट वेट क्या हुआ? ये हमें निकालना है। देखिए, एक केजी में है, एक ग्राम में है, तो बड़े ध्यान से करना है। अब यहां पे नेट वेट इक्वल टू 1.2 केजी प्लस 1.3 ग्राम। अब इनको दोनों के पहले तो यूनिट सेम करनी पड़ेगी, तो 1.2 केजी 1.2 प्लस इसके ग्राम के केजी अगर बनाता हूँ तो 0.0013। अब केजी हो गया होगा, ये 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इनको ऐड करते हैं, ऐड करने का वही रूल, अगर सीधे ऐड करता हूँ तो आंसर आ जाना चाहिए 1.2013 केजी। सब केजी कन्वर्ट कर लिए थे हमने, तो लास्ट का आंसर हमारा क्या होगा कि जो एडिंग नंबर्स थे उनमें डेसिमल का प्लेस सबसे कम किस में थे, तो वो इसमें थे डेसिमल का सिंगल प्लेस, तो लास्ट के सिंगल प्लेस तक ये आंसर हमारा रह जाएगा। ये देखेंगे तो सिंपल उसी तरह से कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, बस ये लास्ट कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 के भाई 3.2 × 10⁻⁶ ग्राम में ऐड करना है हमें 1.2 × 10⁴ ग्राम, इसका आंसर क्या आएगा? एडिशन है, डेसिमल के प्लेस हमें ध्यान रखने हैं और अब की बार 10⁻ भी हैं, तो इनको किस तरह से एडजस्ट किया जाए? पहले तो 10⁻ दोनों में इक्वल करनी पड़ेंगी, तो अगर मैं इसमें 10⁻⁴ करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0.032 × 10⁴ ऐसा कर लेंगे क्या? डेसिमल को जितना ऊपर ले जाएंगे 10⁻ प्लस यहाँ पे ऐड होती जाएंगी, 2 ऐड करके 10⁻⁴ के बराबर की, और यहाँ पे 1.2 × 10⁻⁴ ऑलरेडी है। अब 10⁻⁴ हम कॉमन लेके और इनको ऐड कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.232 × 10⁴। अब सिग्निफिकेंट वो डेसिमल के प्लेसेस हमारे इसमें सबसे कम हैं, तो डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 10⁻⁴ से, उसमें तो कोई रोल है ही नहीं उसका, वो सिग्निफिकेंट डिजिट होती नहीं है, तो हमारा आंसर लास्ट में यही रह जाएगा 1.2 × 10⁴। ये बात कुछ क्लियर हो गई होगी, तो चलिए आज इतना ही करते हैं। आप लोगों ने बहुत प्लस माइनस जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई करना सीख लिया, तो आगे का नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडे, हैव ए